प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और हमारे साथ महादेव भी आ गए हैं, तो दोनों आप लोग एक जब पहले आप जब पहले आप ठीक है। अगर डायलॉग की बात करेंगे तो राम का किरदार है, हर डायलॉग बहुत ही जिसे कहते हैं इम्पोर्टेंट है। सीता जी जो है वो जब राम जी वनवास के लिए जा रहे हैं तो माता सीता भी उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी प्रभु, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको अपने घर पर रहना होगा, आपको माता की सेवा करनी होगी। तो वो उसको लेकर एक छोटा सा डायलॉग है, मैं दो लाइनें आपको बोल देता हूँ। जब राम जी किस स्वरूप में किस कामनेस के साथ शांति के साथ बोलेंगे तो ऐसा हम कर सकते हैं। सीते तुम मेरे सीते तुम मेरे साथ नहीं जा सकती, तुम्हें यहीं रहना होगा, माता पिता की सेवा करनी होगी, जंगल में कंकड़ होंगे, तुम कोमल हो, तुम्हारे पांव कोमल है सीता, तुम्हारा यहीं रहना सही होगा। तो फिर सीता जी भी जो है उसे डिनाई करती हैं और कहती है कि मुझे हर हाल में आपके साथ जाना ही होगा। तो फिर फाइनली राम जी जो है उन्हें स्वीकार करते हैं। ठीक है सीता, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो तुम मेरे साथ चलो, आओ माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं और वन की ओर चलते हैं। ऐसा एक तरीका रहता है। महादेव हर हर महादेव। महादेव पार्वती को बताते हैं, एक्चुअली पार्वती उनसे पूछती है कि ये देव आप दिन रात श्री राम का स्मरण क्यों करते जबकि वो आपका स्मरण। तो शिव बोलते हैं हे देवी हे उमा, मैं श्री राम का जाप करता हूँ, वो श्री हरि है और वो मेरे नाम का जाप करता है, और तुम जान के भी अनजान बनती हो देवी, तुम मेरे मुख से उन बातों को जन जन तक पहुंचाना चाहती हो जिसे जन कल्याण हो, तो आओ देवी मैं आज तुम्हें श्री राम कथा का ये सार सुनाता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए गगन मलिक जी हमारे बार के राम है, आप फिल्मी दुनिया के जाने पहचाने हाँ जी चेहरे हैं, भगवान शिव के रूप के अंदर लक्ष्मण जी भी जो है फिल्मी दुनिया के चमत्कार हैं। लक्ष्मण जी से भी पूछ लेते हैं कि वो जब वो वन का सीन है जो अब नाग स्वरूप का उनकी, तो उसके बारे में वो आपका मेन है सर, उसका बताइएगा। परशुराम कुछ भी परशुराम संवाद परशुराम संवाद परशुराम संवाद वो बहुत बढ़िया बोलते हैं एकदम बड़े जिससे। लक्ष्मण जी आज आपके पास समय है अपना पूरा वो दिखाने का, चाह रहे हैं कि आप वो रत्नश्री जब जानते हैं तो कुछ बातें सुन लीजिए। कभी कभी अधिक मीठा होना भी दुख का कारण बन जाता है, जिस तरह से अधिक मीठा होने पर गन्ने को कोलू में पीस दिया जाता है, उसी प्रकार से कुछ लोग मीठा बोलने पर कायर समझने की भूल कर जाते हैं। मुनिवर सुने, ये धनुष तो हमने तोड़ दिया, अब आपसे जो बन पड़े कर लें। हमारा लक्ष्मण तो नादान है, बचपन से ही उतावला है, मैं तो केवल राम और आपका नाम तो मुझसे भी बड़ा है परशुराम, कृपा करें तो आगे बात आगे बढ़ती है ऐसे। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण, जब आप ब्राह्मण हैं तो आपको ये गुस्सा शोभा नहीं देता, ये तो क्षत्रियों का गहना है जो रण में पहना जाता है। क्षमा करें महामुनि, ब्राह्मण को तो शांत होना चाहिए। यही पे पूरे नहीं तो सीन हो जाएगा। धन्यवाद। आपसे मेरा एक सवाल है सर, दिल्ली में तकरीबन 150 रामलीलाएं होती है लेकिन इस वर्ष कोविड को लेके बहुत ही कम रामलीलाएं हो रही है, उन आयोजकों के लिए क्या आप कहेंगे जो रामलीला नहीं कर पाए समय न होने की वजह से? देखिए दिल्ली के अंदर 150 नहीं, दिल्ली के अंदर 700 रामलीलाएं, छोटी बड़ी 700 रामलीलाओं के अंदर आज लगभग शून्य रामलीलाएं जो है, क्योंकि लाल किले की बड़ी तीन होती थी, सिर्फ मात्र एक रामलीला हो रही है।
और दिल्ली के अंदर भी रामलीला इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि डीडीएमए ने समय नहीं दिया। मात्र 30 तारीख को उन्होंने ऑर्डर दिए हैं और उसके बाद दो छुट्टी आ गई है, मात्र एक दिन सिर्फ बीच के अंदर वर्किंग डे बचा है और आज दूसरा ही वर्किंग डे है क्योंकि रामलीलाओं को समय नहीं मिला, इस वजह से दिल्ली के अंदर रामलीलाएं नहीं कर पा रहे। ये तो भाई अशोक जी की हिम्मत है कि जो पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे थे, चाहे वो हमारे बॉम्बे से आने वाले कलाकार हों, चाहे वो प्लेन की टिकटें हों, चाहे वो होटल बुक करने हों, इन्होंने पूरा 6 महीने से दिन रात एक करके इन्होंने जो मेहनत की उस मेहनत का परिणाम है कि हम भी लवकुश रामलीला कमेटी कर पा रहे हैं, अन्यथा हम भी ऐसी स्थिति में नहीं होते कि 3 दिन के अंदर पूरी रामलीला को ऑर्गेनाइज कर पाए। भारत सरकार के काफी मंत्री जुड़े रहते हैं रामलीला से, फिर भी इतनी अनुमति? देखिए ऐसा नहीं है कि सरकार के मंत्री जुड़े रहते हैं, देखिए कोरोना देश के अंदर सबके लिए था, पूरे विश्व के लिए था, हमसे ज्यादा अच्छी स्थिति वो भी समझते हैं। हमारा दर्द ये हो सकता है कि रामलीला होनी चाहिए, उनके मन के अंदर इच्छा है कि रामलीला नहीं करवानी चाहिए, लेकिन रामलीलाओं को प्रभु राम की कृपा से दिल्ली के अंदर सब नॉर्मल है। दिल्ली के अंदर कहीं ऐसे हालात नहीं है कि किसी कार्यक्रम को नहीं किया जा सकता। आज से कई महीने पहले आप दिल्ली के किसी भी बाजार के अंदर देखिए, आज लाखों लोग धक्का मार रहे हैं। अगर आप सदर बाजार से किसी को देखेंगे लाल किले आना हो तो सिर्फ धक्के से ही पहुंचे, आज इतनी भीड़ है बाजारों के। जब इतनी भीड़ है तो कोरोना का कोई डर नहीं है, लेकिन कोरोना के नियमों का पालन करते हुए रामलीला को किया जाए। लवकुश रामलीला कमेटी की तैयारी तकरीबन पूरी हो चुकी है, दर्शकों के लिए कब से आयोजन देखने के लिए आ सकते हैं? दर्शक कल से ही आ सकते हैं, हमने लिमिटेड कार्ड रखे हैं, लिमिटेड सीट्स रखेंगे, कल से ही हम जो है इन्विटेशन कार्ड इशू कर देंगे और कल से ही दर्शक लीला स्थल के ऊपर आकर लीला देख सकते हैं। धन्यवाद।